कोरोना से परेशान छोटे व्यवसायी लॉकडाउन में फंसे हैं और धंधे नहीं होने से उन पर भूखे रहने की नौबत आ रही है। इस विषय को लेकर इन विषय ने छोटे व्यवसायियों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। वाड़ी के वेलट्रीट अस्पताल के काम करने वाली मौसी ने बताया कि अस्पताल नियमों के अनुसार काम कर रही हूँ, पेशेंट को देखभाल कर रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर का उपयोग कर ही ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे संचालक की ओर से वेतन भी दिया जा रहा है। माझा नाव सीमा ढोके आहे। मी वेल्ट्रीट मध्ये काम करते। मला 5 वर्ष झाले, 5 वर्ष सुरू आहे आणि मौसी पदावर आहे। मला पेमेंट हर महिन्यामध्ये भेटते आणि माझा परिवार खूप सुखरूप आहे आणि करोनामुळे माझ्या आम्हाला सॅनिटायझर देतात, आम्ही त्याने हात व्यवस्थेमध्ये धुवून टाकतो। अजून बंद आहे तरी आम्हाला आमचे सर देतात पेमेंट, ॲडव्हान्स मानला तर ॲडव्हान्स भी देतात। वाडी के एक टायर पंक्चर वाले ने कहा कि 3 दिन हुए दुकान खोली लेकिन ग्राहक नहीं आने से धंधा नहीं हो रहा। ग्राहक नहीं आने से धंधा नहीं होने से पैसे नहीं आ रहे, इस कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बस ऐसी घर पर भी बैठे बैठे भी आसीम नहीं होता था, खाना पीना ऐसी मिलता नहीं था, धंधा भी नहीं चल रहा, पंचवर्चर नहीं बन रहा है ना। घर मिलेगा कैसे, काम धंधा हो ही नहीं रहा है तो फिर ऐसे चल रहा है टाइम पास। आज से चालू किया। इसके बाद हम वाड़ी के एक चिकन सेंटर जाकर उसके प्रतिक्रिया जानी तो दुकान शुरू है लेकिन चिकन पर कोरोना की अफवाह होने से लोग चिकन नहीं खाने से धंधा चौपट हुआ है। लोग डरे हुए हैं, इस कारण धंधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं वाड़ी में 6 साल से दुकान चला रहा हूँ पर अब ये लॉकडाउन की इससे यानी धंधा एकदम ही फेल हो गया है और धंधे पानी कुछ है नहीं, ना घर चल रहा है ना परिवार चल रहा है ना कुछ भी चल रहा है। पहले तो भी एकदम आधे से भी आधा फर्क हो गया है इसमें, धंधा बोले नहीं कि बराबर धंधा है। अभी सरकार से कोई मदद मिली नहीं रही है, नहीं नहीं उनकी इस पर भी नहीं मिल रहा है। चिकन का रेट 160 रुपये है, यानी समझ लो पहले मैं 5 डाक बेचता था तो अभी आधी डाक भी नहीं बेचता हूँ। सरकार से मांग तो है कि लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म करे। इसमें चिकन में बोले तो कोई भी बीमारी था ही नहीं, सिर्फ ये अफवाह फैलाई गई थी कि चिकन में मटन में है करके, ताकि इसमें कुछ है ही नहीं। पेट्रोल पंप पर हमारे प्रतिनिधि ने भेंट दी तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि पंप शुरू है लेकिन पेट्रोल भरने पहले जैसी कोई नहीं आने से पंप पर खाली बैठे रहते हैं। 80% लोग कम आ रहे हैं। शैलेश रामू शेलारे है, मी LMZ पेट्रोलियम चा कर्मचारी है। कोरोना वायरस चा प्रभावामुळे आपल्या भारत देशावर आणि संपूर्ण विश्वावर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्ताची हानी होताना दिसत आहे। त्याच आपल्या नागपूर भागामध्ये आपल्या वाडी क्षेत्रामध्ये आपण LMZ पेट्रोलियम वाडीच्या सौजन्याने विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करत आहोत आणि आमच्या 24 तास सेवा दिली जाते आणि सुविधेमध्ये आम्हाला विविध प्रकारची सॅनिटायझेशनची प्रक्रिया अवलंबली जाते आणि रोज सायंकाळला इथे सॅनिटायझेशन केले जाते। लॉकडाऊनच्या बाबतीत बोलायचे झालं तर लॉकडाऊनचा खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव आपल्याला दिसत आहे, लोकांची गर्दी आपल्याला खूप कमी प्रमाणात दिसत आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्या उद्योगावर होताना दिसत आहे। कर्मचाऱ्यांना या लॉकडाऊनमध्ये आपल्या मालकातर्फे पूर्ण पगार देण्यात येत आहे, घरी राहत असताना सुद्धा आपल्याला पूर्ण पगार मिळत आहे। हमें दिखी खाने की खोज में महिला। वाड़ी के शिवाजीनगर के महिला खाने के लिए दर दर भटक रही है, सरकारी धान्य भी मिल रहा। वाड़ी का शिवाजीनगर नगर परिषद वाड़ी व महानगर पालिका नागपुर के बीच फंसने से इन गरीब लोगों पर किसी का ध्यान नहीं होने से यहाँ की गरीब महिला अन्न धान्य मिलने के लिए दर दर भटक रही है। ये मंशा हुई की माझे नाव आहे ना, हा माझ्या एरिया मधल्या बाया आहे। आमच्या एरिया मध्ये नगर परिषद मध्ये गेलो की ते म्हणतात आमच्या एरिया मध्ये नाही आलं आणि कॉर्पोरेशन मध्ये गेलं की ते म्हणतात आमच्या एरियात नाही येत। आम्हाला अन्न धान्य सर्वच पाहिजे, माणसं घरी, मुलं घरी, राशन कार्ड नाही आहे कोणाकडे तर मग राशनवाल्याकडे कशा याच्यानी मागाचा राशन, ज्यांचं आहे ते हक्कानी मागल, आम्ही कशावर मागाव। आम्ही पप्पू जयस्वालनी मदत केली होती, 2 किलो आटा आणि तेल 1/2 किलो, ते काही पुरणार आहे का? मग आम्ही धवळकडे पण गेलो, गॉलवन शिवकडे पण गेलो।